केंद्र सरकार द्वारा पास 3 किसान कानूनों की वापसी की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान आज ट्रैक्टरों से दिल्ली पहुंचे और लाल किले की प्राचीर पर लगे तिरंगे बराबर में दूसरे झंडे लगा दिए। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आंदोलन पर किसानों द्वारा लाल किले पर दूसरा ध्वज लगाने पर देश के राष्ट्रपति से मांग की है कि वे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करें। देखिए, आज देश का एक बहुत बड़ा गौरव पर्व था और पर्व है जिस पर हम लोग नाच करते हैं। हमें गर्व है, आज हमारा जनतंत्र का दिन है। बड़े अफसोस की बात यह है कि आज के दिन देश की राजनीति के अंदर जो हालत हो रहे हैं उससे हमें बहुत फिक्र है, उसका हमें अफसोस भी है। देश का झंडा जहां प्रधानमंत्री जी फहराते हैं वह सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पहचान है हमारे देश के गौरव का। उस झंडे को हटाकर अगर कोई दूसरा झंडा लगाया जाता है तो इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। सांसद जी, ये बताइए, आज जो कुछ हो रहा है दिल्ली में, जो लाल किले पर जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं वहां पर आंदोलनकारियों ने अपने झंडे लगा दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश का एक बहुत बड़ा गौरवान्वित पर्व था और पर्व है जिस पे हम सब लोग नाच करते हैं। हमें गर्व है, आज हमारा जनतंत्र का दिन है। बड़े अफसोस की बात यह है कि आज के दिन देश की राजधानी के अंदर जो हालात हो रहे हैं उससे हमें बहुत फिक्र है और उसका हमें अफसोस भी है। देश का झंडा जहां प्रधानमंत्री जी फैलाते हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि वो सिंबॉलिक है हमारे देश के गौरव का। उस झंडे को हटा के अगर कोई दूसरा झंडा लगाया जाता है तो इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन ये हालात कैसे हो गए, यहाँ तक ये लोग कैसे पहुँच गए, सरकार क्या बिल्कुल फेल हो गई? आज लाल किले के ऊपर इतने लोग पहुँचे हुए हैं, क्या ये वाकई किसान हैं? क्या ये कोई अराजक तत्व या कोई और साजिश, कोई बड़ी साजिश हमारे देश के खिलाफ तो नहीं है? अगर सरकार इनको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है तो मेरी ये डिमांड है राष्ट्रपति जी से कि फौरन देश के ऊपर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और इन तमाम अराजक तत्वों को काबू में लाया जाए। ये ट्रैक्टर ट्रॉली जब दिल्ली लेके जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बाद जो तो विवाद हुआ है, तो क्या लगता है किसान तय रूट से भटके तो कहीं गलत है? देखिए, अगर किसान भटक गए हैं दूसरे रूट से तो उनको ढंग से कायदे से दूसरी तरफ ले जाना चाहिए था पीसफुली। उनके ऊपर लाठी डंडे और आंसू गैस नहीं छोड़नी चाहिए थी। किसान को हमने देखा कि 2 महीने से बड़ा शांतिपूर्वक उनका धरना चल रहा है और ऐतिहासिक धरना वो लोग दे रहे थे। अगर वो भटक गए थे तो उनको उनके डेस्टिनेशन पे, उनको जहाँ पे उनका लक्ष्य था वहाँ पहुँचा देते। मेरा ये मानना है कि जो आज जो हालात हुए हैं उसमें हमारी केंद्र सरकार की हठधर्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है। हमें भी किसान के आगे अगर हम झुक जाते, उनकी डिमांड को मान लेते, कानून वापस ले लेते, उसके बाद सब मिल बैठ के इसका फैसला कर लेते तो आज देश के ये हालात नहीं होते। एरोगेंस कहीं ना कहीं इस पीस के आड़े आ गई। अच्छा, देश की एक आन बान शान तिरंगा है, पहले भी आपने जवाब दिया लेकिन एक बार मैं फिर पूछूंगा कि लाल किले पे तिरंगा प्रधानमंत्री फहराते हैं और आज वहाँ पर केसरिया झंडा करा दिया गया, तो क्या किसका फेलियर है? यकीनी तौर पे देश की आन बान शान पे एक धब्बा लगा है और हमारे अपने लोगों की वजह से लगा है। और अगर ये केसरिया झंडा है और ये किसी हिंदू संगठन वालों का झंडा है तो ये भी सोचना पड़ेगा कि कोई देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश या हिंदू राज बनाने की बात तो नहीं हो रही। तिरंगा क्यों हटाया गया और केसरिया क्यों लगाया गया, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा।